लेट मी हेल्प दो। ये लो। कांट यू सी, कांट यू सी पापा यहां कितने खुश हैं। अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, मेरी मम्मी के साथ, आपके साथ वो इतना खुश कभी नहीं होते। पाखी तुम अभी बच्ची हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम ना देख पाती हो और ना समझ पाती हो, और आप तो देखकर भी नहीं समझ रही हैं। बच्ची मैं हूं पर बचपना आप कर रही हैं। पाखी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हो? यू ब्रोक माय फैमिली। आप मेरी मम्मी पापा के बीच आ गए, आपकी वजह से पूरा परिवार दो हिस्सों में बट गया। एंड स्टिल यू आर आस्किंग कि आपने क्या किया है? एंड व्हाट इज दिस? आप इतनी स्वीट कब से बन गई? आप ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं रही हूँ आपके साथ, अचानक ये नाटक क्यों? ये नाटक नहीं है बेटा। डोंट यू डेयर कॉल मी बेटा। आप मेरी मम्मी नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हो, सो डोंट एवर कॉल मी बेटा। पापा कहते नहीं पर आई नो वो आपके साथ खुश नहीं। उनकी खुशी यहाँ इस घर में हम सबके साथ है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पापा यहीं रहते, मेरे पास नहीं आते। डोंट वरी, वो आपके पास आए जरूर है पर ज्यादा दिनों तक रुकेंगे नहीं, क्योंकि मैं उन्हें आपके पास रुकने नहीं दूंगी। अरे जाओ, जब तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर पाई तो तुम क्या कर लोगी? एंड लिसन, मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करना पाखी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी माँ के साथ साथ मैं तुमसे भी दूर कर दूँ। एंड माइंड यू, मैं ऐसा कर सकती हूँ। इनफैक्ट मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आएगा मजा। काव्या ने पाखी को भड़का ही दिया। नाइस स्वीटी। इट्स ओके अनुपमा, पाखी को शायद मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है पाखी, I'm leaving, okay? Oh, please, stop acting. आप अच्छी नहीं है तो pretend भी मत करो। पाखी, please, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई problem हो। मैं चली जाऊंगी। हाँ तो जा निकल, मैं केक भिजवा दूंगी। आओ जे। काव्या मेरी गाड़ी में जाना, ड्राइवर छोड़ देगा। मॉम, अरे मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही हूँ बेटा। पाखी, सॉरी बोलो। मम्मी एटलीस्ट पूछ तो लो कि बात क्या हुई थी। बात कुछ भी हो बेटा, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। सॉरी बोलो। पाखी, योर मॉम इज राइट। सॉरी बोलो। सॉरी। नाउ यू टेल मी, क्या हुआ, क्या किया तुमने? काव्या, क्या हुआ था? नथिंग पापा, गलती से इनके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी। बाकी प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं चुप हूँ। प्लीज डोंट लाई। आई एम नॉट लाइंग, यू आर लाइंग। आप झूठी हैं। स्वीटी बदतमीजी नहीं, हमेशा यही तो होता है मम्मी। गलती चाहे कोई भी करे, झूठ चाहे कोई भी बोले, डांट मुझे ही पड़ेगी। डांटिए, मैं तो कह रही थप्पड़ भी लगा दीजिए। This is so unfair, मम्मी। बड़े चाहे कुछ भी करें, पर बच्चे रिएक्ट भी नहीं कर सकते। बाकी यही बात तुम आराम से भी कह सकती हो ना? कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो चिल्लाना ही पड़ेगा ना पापा। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, गुस्से में कैन क्रश किया और इनके ऊपर कोल्ड ड्रिंक उछल के। पर ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैंने सब कुछ जानबूझकर किया हूं। ओके फाइन,
अगर तुम मानना ही नहीं चाहती हो तो इट्स ओके पाखी, तुमने मुझ पर कोल्ड ड्रिंक गलती से उड़ाई, ठीक है, इट वॉज एन एक्सीडेंट, आर यू हैप्पी नाउ? अब प्लीज इन्हें ये भी बता दो कि ऐसा मैंने क्या कह दिया कि तुम इतना गुस्सा हो गई। तुम मेरे पास आई थी, बात भी तुमने करनी शुरू की, इनफैक्ट बात क्या तुम तो बदतमीजी करने लगी थी। मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, तुम्हें बेटा बुलाया तो तुम्हें उससे इशू हो गया। अनुपमा सॉरी टू से, तुम्हारी बेटी जिद्दी और इरिस्पॉन्सिबल ही नहीं, एक्सट्रीमली बदतमीज भी है। मैं मानती हूं कि मैं यहां अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन मैं यहां रुकी सिर्फ तुम्हारी परमिशन से हूं। तुमने मुझे यहां आने दिया, इन खुशियों का हिस्सा बनने का मौका दिया, एंड दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ यू। लेकिन शायद ये बात तुम्हारी बेटी को पसंद नहीं आई। तुमने भी नोटिस किया होगा ना कि पाखी कैसे बिहेव कर रही थी पार्टी में। मगर फिर भी मैंने सोचा छोड़ो, रहने दो, इग्नोर किया मैंने, बिकॉज आई थॉट कि बच्ची है। दैट वाज बिकॉज मैं गुस्से में थी। और ऐसा ही यहाँ नहीं कर रही है सिर्फ पार्टी में, ये घर पे भी ऐसे ही मिसबिहेव करती है। फनराज नोज एवरीथिंग, और जो आप करती हैं वो मैं क्या करती हूँ पाखी? मैं तो तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ, तुम्हारे टैंट्रम्स, तुम्हारे मूड स्विंग्स, तुम्हारे नखरे सब बर्दाश्त करती हूँ। अरे जरा सी भी बात हो जाती है तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, तुम मुंह बना के बैठ जाती हो। खुद खुश रहना तो तुमने कभी सीखा ही नहीं, इसीलिए तुम दूसरों को भी खुश नहीं देख सकती हो, और इसीलिए तुम खुद भी दुखी रहती हो और हमें भी चैन से जीने ही नहीं दे रही हो। आपने तो कहा था कि स्वीटी वहां खुश है। ये सब अभी डिस्कस करना जरूरी है। अनुपमा, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा है। तुमने अपनी बेटी को ना कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा। डोंट ब्लेम माय मम्मी। मम्मी मैं अपने सारे काम आप खुद करती, अपनी यूनिफॉर्म आयरन करती, अपने बाल खुद बनाती। हाँ मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है क्योंकि क्योंकि मुझे वह अच्छा नहीं लगता मम्मी, अपनी फैमिली से दूर रहना अच्छा नहीं लगता, और ये मुझे पापा से भी दूर करने की कोशिश कर रही है। वाओ, तुम्हारी बेटी बदतमीजी नहीं एक नंबर की झूठी भी है। झूठी मैं नहीं, झूठी ये है। ट्रस्ट मी मम्मी, ये पापा को हम सबसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये पापा को आज यहाँ पर आने भी नहीं देने वाली थी, अपने साथ रिजॉर्ट ले जाना चाहती थी। ये अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरे वजह से इन्हें और पापा को प्राइवेसी नहीं मिलती। मेरा उस घर में रहना इन्हें पसंद नहीं, और ये वहां पापा से किचन के काम करवाती। पाखी इनफ। अरे चाय कॉफी बनाना कौन सी बड़ी बात है? अगर वी ने अपने लिए चाय बना ली तो इसमें कौन सी आफत आ गई? घर की बाकी सारी काम तो मैं करती हूँ। आप नहीं, आपकी मेड करती है। इतना गंदा खाना बना के जाती है कि खाया भी नहीं जाता। कभी कभी तो स्कूल में मैं अपने फ्रेंड से मांग के खाना खाती हूँ। घर में खाना अच्छा नहीं बनता इसलिए बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है, इसमें भी उन्हें प्रॉब्लम है। सुनाने लगती है कि पापा की जॉब नहीं है और तुम उनके पैसे उड़ा रही हो। मम्मी मैं गुस्सा करती हूँ क्योंकि मैं गुस्सा हूँ, मैं बहुत गुस्सा, और क्यों ना हूँ, इनकी वजह से मेरे मम्मी पापा अलग हो गए, हमारा पूरा घर टूट गए। I hate her मम्मी, I hate her। Enough पाखी, enough। तुम गुस्सा हो, हर्ट हो, उसका मतलब ये नहीं कि बड़े छोटे का लिहाज भूल जाओगे। तुम काव्या को दोष दे रही हो, तुमने क्या किया है? हाँ? सब लोग अच्छा खासा खुशी से एंजॉय कर रहे थे, बट तुमने सब स्पॉइल कर दिया, पूरी पार्टी स्पॉइल कर दी। काव्या से किसी को कोई इशू नहीं था,
अनुपमा को भी नहीं, पर तुम्हें इशू था, तुमने क्रिएट किया और तुमने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। थक गया हूं मैं तुम्हें समझाते समझाते, संभालते संभालते, लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी सुने तो जिद में बिल्कुल मां पे गई। जैसी मां वैसी बेटी।